हेलो बच्चों, मेरा नाम है मीना और आज मैं तुम लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। उनके बीच में एक और नया दोस्त आया। हेलो, मैं यहाँ पे नया हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम दोनों में से कोई एक मेरा दोस्त बनेगा? हेलो, मेरा नाम है सायरा और मेरी इस दोस्त का नाम है मीनाक्षी। हेलो, मेरा नाम है मीनाक्षी, मेरी दोस्त ने तुम्हें बताया ही होगा, हमारे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, तुम हमारे दोस्त बनोगे? सायरा, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं, क्योंकि वैसे भी मुझे एक ही दोस्त की ज़रूरत थी और वैसे भी मीनाक्षी के नाम से मुझे लग रहा है कि काफ़ी गरीब होगी और तुम्हारा नाम देखो कितना अच्छा है, सायरा, और इसीलिए मैं मीनाक्षी से दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि मैं गरीबों से दोस्ती नहीं करता। हम दोनों दोस्त बन के चलते हैं। लेकिन वो तो मेरी दोस्त है ना। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन वो गरीब है और वो मुसीबत में तुम्हारी हेल्प कैसे करेगी? मैं अमीर हूँ, मैं तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी बात मान तो सकती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त को बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त तुम्हें कुछ नहीं कहने लगी और वैसे भी वो यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर दो दोस्तों के बीच की दोस्ती टूट गई एक और नए अमीर दोस्त के आने की वजह से। देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अब स्कूल में। तुम सायरा हो ना, 7th क्लास में पढ़ती हो तुम? हाँ जी, मैं ही हूँ सायरा, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? तुम अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हो ना, मेरी बहन सुनैना कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आई और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन सुनैना क्लास में फर्स्ट आए, इसलिए आज से तुम्हारा फर्स्ट आना बंद, और अगर तुम क्लास में फर्स्ट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत पीटूंगा, याद रखना। मैं तो फर्स्ट आऊंगी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, और वैसे भी तुम्हारी बहन सुनैना कुछ नहीं पढ़ती है, मैं हमेशा पढ़ती रहती हूं, इसलिए मैं क्लास में फर्स्ट आती हूं। अपनी बहन से कहो कि पढ़ाई शुरू कर दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना फर्स्ट आना रोक नहीं सकती हूं। ओ, तो ये बात है, अब मैं तुम्हें अपना जरा सा कुछ दिखाई देता हूँ। हाँ, अब आया ना आराम, अब अपनी ये बेकार सी शक्ल ले जाके अपनी क्लास में दिखाना और अपनी बेइज्जती करवाना। हाँ, तुमने मुझे मारा ना, रुको मैं अभी अपने दोस्त को बुलाती हूँ। हाँ, अपने जिस किसी दोस्त को बुलाना है बुला लो, मैं सबको देख लूंगा। हाँ, हेलो राहुल, प्लीज स्कूल में आ जाओ, एक अंकल ने मुझे बहुत मारा, प्लीज मेरी हेल्प करो। देखना, अब मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया, अब वो मुझे बचाने जरूर आएगा और तुम्हें बहुत पीटेगा। राहुल, देखो ना, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे, और देखो इन अंकल ने मुझे कितना मारा, और इन्होंने कहा कि आज से मुझे क्लास में फर्स्ट आना नहीं है, और इनकी बहन सुनैना ही क्लास में फर्स्ट आएगी। तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे, प्लीज मेरी हेल्प करो और इन्हें मारो। अरे अंकल, आप सॉरी अंकल, मुझे माफ कर देना, ये मेरी दोस्त है और इसे भी माफ कर देना। है राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प के लिए बुलाया था, तुमने कहा था ना तुम मेरी हेल्प करोगे, जब तुमने मुझे कहा था कि मुझे मीनाक्षी से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। तुम समझो सायरा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये मेरे पापा के दोस्त है, अगर मैंने इनसे पंगा लिया तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, सॉरी, तुम अपने किसी और दोस्त से हेल्प ले लो। अरे नहीं, मेरा तो यहाँ पे और कोई दोस्त भी नहीं है, सिर्फ मीनाक्षी ही मेरी दोस्त है, एक बार मीनाक्षी को फोन करके देखती हूँ, शायद वो आ जाए। हाँ, अरे ओ सायरा मैडम जी, तुमने अपनी दोस्त को फोन कर लिया और देख लिया, तुम्हारा दोस्त भी मुझसे डर के भाग गया, देखा अब यह तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, अब तो तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो बच्चों, अब तक की कहानी में आपको ये पता चला है कि सायरा का जो दोस्त राहुल उसका नया दोस्त बना था, वो पहले उसे कितनी बढ़ा चढ़ा के लंबी लंबी बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय पर मदद करूंगा, लेकिन अब वो उसके मुसीबत के समय पर छोड़ के चला गया, और देखते हैं अब सायरा क्या करेगी। हेलो मीनाक्षी, थैंक गॉड तूने फोन उठाया, मीनाक्षी जरा स्कूल में आकर तू मेरी हेल्प कर सकती है? हाँ, देखा लड़की, अब बस तेरी एक दोस्त ने तेरा फोन सिर्फ उठाया ही है, देखते हैं अब वो यहाँ पे आती है या फिर नहीं। हाँ बोल सायरा, अब तुझे मेरी जरूरत क्यों पड़ गई, तेरा वो नया दोस्त राहुल तेरी हेल्प करने नहीं आया, क्या बात है बता मुझे।
मीनाक्षी आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ फ्रेंडशिप तोड़ के। आज मुझे समझ आया कि वो अमीर दोस्त मेरी मदद करने आया तो था लेकिन अपनी जान की परवाह करते हुए भाग गया यहाँ से, और तू भले ही गरीब है लेकिन तू अपनी इंसानियत दिखा रही है और फ्रेंडशिप के नाते यहाँ पर आई है मुझे बचाने। थैंक यू सो मच मीनाक्षी। कोई बात नहीं सायरा, मुझे पता चल गया है कि तुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और मैं तो यह जरूर करूँगी। भले ही मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं तेरे हिस्से की आधी मार तो खा सकती हूँ। अरे वो दोनों ड्रामा क्वीन, यहाँ पर मैं तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा देखने नहीं आया हूँ। मुझे जल्दी से बताओ तुम दोनों आपस में क्या बेकार की बातें कर रही हो। अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो और इधर अपनी शक्लें दिखाओ और मेरे साथ बात करो। मीनाक्षी शर्मा से। मीनाक्षी तेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है? मुझे आज पता चला तूने इतने टाइम से मुझे अपना पूरा नाम क्यों नहीं बताया था। तू भी चुपी रह गद्दार दोस्त, ज्यादा आपने मुझे दोस्ती वाली फीलिंग मत दिला। मुझे पता है तू कितनी दोस्त है मेरी, अब जा अपने उस अमीर दोस्त के पास। वैसे मैं तुझे बता दूं मेरे पापा DSP हैं, मैंने तुम सबसे छुपाया था कि मैं अमीर हूं, और वैसे भी मैं तो तुम सबको कह रही थी कि मैं गरीब हूं ना, और आज मैं दिखाई दी हूं कि मैं कितनी अमीर हूं। DSP? हाँ जी DSP, मेरे पापा DSP हैं, और अगर मैं चाहूँ ना तो आपकी यूनिफॉर्म मींस आपकी ये जॉब अभी आपको अपनी जॉब से हटवा भी सकती हूँ, और अगर आप अपनी जॉब को अपने पास रखना चाहते हो ना तो चुपचाप यहाँ से कल्टी लो, और मेरे दोस्त के पास ना अगर आज के बाद दिखे भी ना तो देख लेना क्या हर्ष करवाऊंगी आपका। सॉरी बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारी दोस्त या तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, अपने पापा को मेरे बारे में कुछ मत कहना प्लीज बेटा। हाँ हाँ, अब तो आपको मेरी मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी जॉब जो इतनी प्यारी है, और वैसे भी अपनी बहन से कह देना कि पढ़ना शुरू कर दे, और अगर मुझे पता चला कि आज के बाद आपने किसी को भी धमकाया या डराया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, सोच के कुछ करना। और हाँ एक बात और, अब चुपचाप यहाँ से कल्टी लेने का बोले तो कल्टी। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच। ओ हेलो सायरा, तुम ठीक हो ना? वो अंकल चले गए क्या? अच्छी बात है वो अंकल चले गए। ओ तुम तो तुम्हारी एक गरीब दोस्त मीनाक्षी भी यहाँ पे है, मुझे तो नहीं लगता कि इसने तुम्हारी कोई हेल्प की होगी। चुप, बिल्कुल चुप, अपनी जुबान से एक शब्द भी मत निकालना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अपनी जान की तुम्हें ज़्यादा परवाह थी ना, और आज देख लो जैसे तुम गरीब गरीब कह रहे थे ना, वो DSP की बेटी है, DSP की, हम सबसे भी ज्यादा अमीर है वो। थैंक यू सो मच मेरी बहन, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अपनी गलती का कितना अफसोस है। लेकिन सायरा। चुप, बिल्कुल चुप, मेरा नाम लेने की हिम्मत भी मत करना, तुम मेरा नाम लेने के लायक ही नहीं हो। तुमने अपनी दोस्ती नहीं निभाई, तब तो बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अमीर हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, और अब हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी से हमने ये सीखा कि जो हमारा सच्चा दोस्त होता है वही मुसीबत में हमारे काम आता है। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। ओके बाय बाय।